कर के, पहले रेप की गई फिर इसके बाद हत्या कर दी गई, ये कैसे करके इस पूरे घटना, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री की सरकार वहाँ पर। देखिए ये तो जो भी सुना है उससे दुख हुआ है, से निंदा मैं करता हूँ। वो लोग कहता है वहाँ की सरकार चलाने वाले लोग कहती हैं कि हम चौकन्ना रहते हैं, मेरे यहाँ गड़बड़ नहीं होता, अपराध नहीं होता, तो आपने देखे ही हैं। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता, चूँकि हमारे नेता कभी भी किसी पर आलोचना नहीं करते हैं, अपने काम पे विश्वास करते हैं। हम इतना कहना चाहेंगे कोई भी हो जो ऐसा काम किया हो गंदा, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बचना नहीं चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं उनसे कहूँगा, उन सरकार से कहूँगा, जरा चौकन्ना रहें, ऐसे लोगों को कार्रवाई करें। जिस तरीके से जो घटना घटी कोलकाता में उसका पूरा देश में ओपीडी सेवा ठप कर दी गई है, जिनमें डॉक्टर भी सभी लोग अभी पड़े हैं। हाँ दुखित हैं लोग, दुखित होंगे तो बंद किए होंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर गड़बड़ करने वाले पे कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी ही, तो निश्चित तौर पर ये सब और लोगों को प्रॉब्लम न हो उसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी एकदम मैं कड़ा से कड़ा निंदा करता हूँ और कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है घटना पर कि जिस दिन मुझे पता चला कोलकाता पुलिस कमिश्नर इस घटना के बारे में बताया, यह बहुत ही दुखद घटना और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तुरंत बनाना चाहिए, वहाँ नर्स और सुरक्षाकर्मी सुरक्षित नहीं है। मैं अभी से ही समझने में असमर्थ हूँ कि घटना कैसे हुई। पुलिस ने मुझे बताया अस्पताल के अंदर कोई था, अस्पताल में प्रिंसिपल ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। कार्रवाई अब तो भाई घटना घटी है तो दुखित होंगे तो मनमराहत होंगे ही, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की मांग करता हूँ। सर लगातार तेजस्वी यादव है वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार प्रतिदिन ट्वीट भी कर रहे हैं और हम लोगों पर सवाल। दूसरा काम ही क्या उनको, हमेशा दाग लगाना, आलोचना करना, काम से लेना देना नहीं। जब विधानसभा चलता है, विधानसभा से बाहर होकर घूमना है अदर कंट्री, वो काम का है? काम तो यही, जल्दी से बिहार को लूटे, प्राइवेट कंपनी बना ही लिए हैं, किसी दूसरे की जरूरत है ही नहीं है, उनका क्या हम जवाब देंगे? बड़े बिहार में अपराधियों की पहाड़ है और लगातार पूरे। ये बात तो माता पिता को बैठा कर बढ़िया से उनसे बात करें कि उनके समय क्या था, अपराधियों क्या बोल पा रहा था, गुंडा पैदा होते थे, ये कारखाना था गुंडागर्दी का, आप नहीं जानते हैं।